वेलकम टू टेक्नोविद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नोविद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार, मैं संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। और कैसे हो मित्रों? आशा बहुत अच्छे हो आप। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्रुप में बड़ी चहल पहल चल रही है। हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे तकनीक मित्रों के साथ व्हाट्सएप समूह में जोर शोर से मनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है आपको इस भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह से प्रगति करें। और ये 75वां साल, ये 75 साल जो हमने आज़ादी के बिताए हैं, इसे हम अक्षुण बनाए रखें, आगे से आगे प्रगति करें और हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें, ऐसी मैं कामना आप सभी के लिए करता हूं। आप लोग खुश रहें, आनंदित रहें और नई नई प्रतिभाओं का विकास करें, नए नए विकास के आयाम को छुएं, हम ऐसी ही कामना करते हैं। आप सभी व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस की। चलिए, इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में आपको एक और नया वीडियो हमारी तरफ से। कल हमने बैंड लैब पर सीखा था कि किस तरह से हम जो है आसानी से एक इफ़ेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आज का टास्क थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा यहाँ पर हमें हमारी सेंसिटिविटी है उस पर थोड़ा सा हमें आश्रित होना पड़ेगा। हम म्यूज़िक क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टॉकबैक को हमें रोकना भी पड़ सकता है। हम दोनों स्क्रीन रीडर को देखेंगे बारी बारी से, हम क्या कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज मैं आपको सिंपल लूपर जो ऑप्शन है इसका बैंड लैब का, उससे एक बीट बनाकर दिखाऊंगा। इसके अलावा फिर आपको कोशिश करेंगे सैम्पलर से भी एक बीट बनाकर दिखाएंगे कैसे बना सकते हैं, कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो खैर, चलिए बैंड लैब को ओपन कर लेते हैं हम सीधा। बैंड लैब को मैंने ओपन कर लिया है, टॉकबैक को मैं ऑन कर देता हूँ। टॉकबैक को मैंने ऑन कर दिया है, टॉकबैक रिक्वायर्ड, हम सीधा क्रिएट पर चलेंगे। क्रिएट पर मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, इंपोर्ट फाइल, सैम्पलर और लूपर, यहाँ पर दो ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, सैम्पलर और लूपर। आज हम लूपर को समझेंगे किस तरह से काम करता है ये। लूपर पे मैंने क्लिक किया, काफी सारी लूप में यहाँ मिल जाती है। ये देखिए, काफी प्रोग्रेसिव ट्रांस लूपर 130, प्रोग्रेसिव ट्रांस, ये देखिए इस तरह की लूप होती है। यहाँ पर रोकते हैं। अब हम यहाँ पर डिटेक्टेड आइकॉन स्टार बटन, आइकॉन स्टार डिटेक्टेड आइकॉन ऐड बटन, ऐड करते हैं, रिड्यू बटन डिसेबल्ड, रिड्यू। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर विशेष बात क्या है कि यहाँ पर कुछ डिब्बे हमें बने हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको ये स्क्रीन सिलेक्टेड ट्रैक्स बटन, ये ट्रैक्स है, डिटेक्टेड आइकॉन राइट, आइकॉन राइट, और इसके बाद detected. है Icon close. Button. Icon close. Arp, 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 arp. Bass, 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 bass. Drum, 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 drum. FX, 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 FX. Led, 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 led. Pad, 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 pad. ठीक है? तो arp, arp, arpeggiator. चार ऊपर arpeggiator दिए, चार ही ऊपर bass दिए गए, चार ही drum दिए गए, चार ही अपने क्या बोला इसने वापस सुनेंगे। arp 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 bass 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 drum 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 fx 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 led 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 pad 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 led lead pad और fx, यानी कि ऊपर arp arpeggiator दिए गए हैं चार, और उसके बाद नीले नीले कलर का बैकग्राउंड दिया गया है जिसमें सब वाइट कलर का हमें बेस दिखता है, ऊपर रेड कलर का जिसमें arpeggiator है उसमें रेड कलर का है बैकग्राउंड, और सफ़ेद कलर का पॉइंट दिया गया है। नीचे वाले जो बेस है उसमें नीले कलर का बैकग्राउंड दिया गया है और सफ़ेद कलर का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद हमारा
ड्रम्स है, ड्रम्स को बैंगनी कलर से दर्शाया गया है और नीचे ड्रम के वो बटन दिए गए हैं। इसके बाद उसके बाद रेड कलर का, पूरा रेड कलर का एक ऑप्शन और दिया गया है, जहाँ पर आपका जो अभी हमने देखा, जैसे इसको क्या बोलते हैं, एफएक्स का पैड दिए गए हैं चार, फिर लीड के दिए गए हैं, फिर पैड के दिए गए हैं। तो पैड के जो पैड है, पैड वाला जो ऑप्शन है वो जस्ट इसके ऊपर है। देखिए, सिलेक्टेड लूपर चॉइस लूपर बटन, चॉइस या लूपर इफेक्ट्स लूपर बटन, इफेक्ट्स या लूपर इफेक्ट्स चॉइस लूपर बटन, इफेक्ट्स चॉइस, ये ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। आर्प देखिएगा, आर्प 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 ये इसके ऊपर ये पूरा ऑप्शन दिया गया है। अब लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि हमारा टॉकबैक इसे रीड नहीं करता है, मतलब टॉकबैक हमें इस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हम कोई जुगाड़ इसमें लगाकर देखें तो, स्पोकन लैंग्वेज रुकिए, वर्ड्स वर्ड्स पर क्लिक करते हैं। आर्प नो, ये काम नहीं करता। देखिए ऊपर वाला है, आर्प, आर्प, यहाँ पर आर्प, फर्स्ट मैं उंगली रखता हूँ, लेकिन ये नीचे वाले मिडिल वाले पे ही काम करता है। टॉक बैक के साथ ये बहुत बड़ी कमी है कि हमारा ये काम नहीं कर रहा है। चलिए हम इसको बंद करके कमेंट्री स्क्रीन रीडर को इस्तेमाल करते हैं। इसे बंद कर देते हैं, हो गया। टॉक बैक को छोड़कर कमेंट्री स्क्रीन रीडर पर ओके करते हैं। ठीक Welcome है, to commentary screen अब reader. देखते हैं। Arp 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 bass 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 drum 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 FX 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 let pat 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 double tap to activate. Double tap to activate. अगर मैं कहीं भी double tap करता हूँ तो ये arp 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 bass 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 drum 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 FX 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 let pat 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 double tap to activate. ये वही काम करता है। तो अब हम क्या करेंगे ऐसी सूरत में? Apple function to start using एक it. बार इसे बंद करते हैं। Double ऑफ करेंगे सभी को। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही समझदारी से काम लेना है आपको। Close button. कैसे करेंगे? सबसे पहले हम रिकॉर्ड, पहले हम मेट्रोनोम को ऑन करेंगे। सुनिएगा, ये मेट्रोनोम को मैंने अनेबल कर दिया है और अब हम टॉकबैक को ऑफ कर देंगे। और नहीं, पहले रिकॉर्ड बटन को चालू करते हैं। अब रिकॉर्ड बटन बिल्कुल आपका जहां होम बटन होता है वहीं रिकॉर्ड बटन आ जाता है, क्योंकि कारण इसका ये होता है कि जब बैंडलैब ओपन होता है तो होम बैक बटन छुप जाते हैं। ये रिकॉर्ड बटन आपको होम की तरफ मिलेगा, ये देखिएगा TR रिकॉर्ड बटन। मैं इस पर प्ले कर देता हूँ इसको। Apple function. Talk back off. अभी तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम रिकॉर्ड, जब तक हम कोई पैड नहीं बजाएंगे रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मैं वापस आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे मैंने इसको ऑन किया, मेट्रोनोम को कर देते हैं हम TR मेट्रोनोम, ऑफ करते हैं। डिटेक्टेड आइकॉन प्ले, प्ले, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब हम मेट्रो इसको ऑन करेंगे तभी रिकॉर्ड करेगा ये। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है यहाँ पर देखिए, TR रिकॉर्ड बटन, रिकॉर्ड बटन है, मेट्रोनोम को ऑन कर देते मेट्रोनोम इनेबल्ड MATLAB डिटेक्टेड आइकॉन, डिटेक्टेड आइकॉन लेफ्ट, कुछ नहीं होता इससे। ठीक है ना, मतलब अभी कुछ नहीं हो रहा है इस पे। मेट्रोनोम ऑन है हमारा, टॉकबैक को करते हैं बंद, या पहले आप रिकॉर्ड को चालू कर लीजिए। ये रिकॉर्ड बटन मैंने चालू कर दिया। मैंने स्क्रीन के बीच में उंगली रखी, अब बैक करके सुनते हैं अपन, इसको बंद करते हैं। सुनिएगा, अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आपको दिखाते हैं, बंद करेंगे सुनेंगे। बैक करेंगे सुनेंगे, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो हम रिकॉर्ड करने के लिए शुरू कर रहे हैं। रिकॉर्ड का बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ, वहीं पर होम का बटन जहाँ पर आपके दिया गया है। थोड़ा सा अपने सेंस को जागृत कीजिएगा मित्रों। स्क्रीन के बीचों बीच आपको पैड्स, आप जैसे चार ऊपर ड्रम्स है, पैड है, आप एक दो बार अनुभव करके अपने आप सीख जाएंगे। तो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पहला पार्ट इसका। हम रिकॉर्ड के बटन को मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है ना, आपको चार बार प्री काउंट सुनता है। वापस से बैक करेंगे, रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे। अब हम एक बार रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हम रिकॉर्ड कर इसको मेट्रोनोम को ऑन कर देते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। पहले प्री काउंट बजेगा चार बार, मैंने बेस पर उंगली रखी, अब मैं आरपीजी पे उंगली रखूंगा।
अब मैं अगले ऑप्शन पर उंगली रखूंगा, बस आप सीध में उंगली रखते जाइए, आगे पीछे मत होइए, बिल्कुल सीध में चलना है अपन को। आपकी एक पूरी उंगली के जितना पूरा डब्बा बना हुआ है, अगर आप पार्शली है तो आप आराम से इसे चला सकते हैं। अब हम ड्रम पे चलते हैं, 3 नंबर पर ड्रम है, करेक्ट। अब हम लीड चालू करते हैं इसमें, पैड चालू किया है मैंने, इनमें से कोई भी पैड पसंद कर सकते हैं आप। अब मैं एक एक चीज को ऑफ करूंगा। सबसे पहले हम ऑफ करते हैं आरपीजिएटर को, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, इसको रोक देते हैं। अब हम हमारा रिकॉर्ड हो गया है परफॉर्मेंस, अब हम सुनते हैं यहाँ पर। ये देखिए इसमें खासियत क्या होगी मित्रों, जहाँ से आप चालू करोगे ना, जहाँ से आप रिकॉर्डिंग मतलब जब तक आप किसी पैड पर क्लिक नहीं करोगे तब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा ये। चलिए हम मेट्रोनोम को ऑफ करते हैं, टॉकबैक को ऑन करते हैं, फिर सुनते हैं। टॉकबैक को मैं ऑन कर रहा हूँ और देखिएगा यहाँ पर टीआर प्ले बटन पर क्लिक करेंगे, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। TR play button. तो देखा हमने पूरा प्ले किया और ये बिल्कुल जहाँ हमने रोका वहीं पे, मतलब जैसे हमने पैड बजाना बंद कर दिया तो ये बंद हो गया। अब हम ये चीज़ देखते हैं, सबसे पहले आर्प, आर्प कौन कौन से हैं हम आपको वो दिखा देते हैं। जिस आर्प पे बटन रखो, बटन पे क्लिक करोगे वो आपको मतलब कि फ्लैश करेगा वो बटन, मतलब तेज उसका प्रकाश तेज हो जाएगा। जैसे अभी इस पे मैं फर्स्ट आर्प पे उंगली रखता हूँ, तो सबसे पहले हम आर्प फर्स्ट पर उंगली रखते हैं। ये देखिए ये रेड कलर का आपके सामने चमक रहा है, ये फर्स्ट आरपीजिएटर है। अगर सेकंड आरपीजिएटर पर जाते हैं तो इस तरह के साउंड करेगा। अब फर्स्ट जो है डार्क हो गया है और सेकंड वाला रेड कलर में
प्रदर्शित हो रहा है। अब थर्ड आर्प देखते हैं, ये थर्ड आर्प है। फोर्थ आर्प देखते हैं, ये फोर्थ आर्प है। दूसरी बार उंगली रखोगे आर्प बंद हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेस की कैटेगरी में। पहला बेस का क्या साउंड है देखते हैं। ये जिसे क्लिक करूंगा ये नीले कलर का हो जाएगा, देखिए ये पहला बेस है, ये दूसरा बेस, तीसरा बेस, चौथा बेस। अब हम चलते हैं ड्रम की कैटेगरी में। नीचे इसके जस्ट नीचे आपको उंगली बस हल्की सी खिसकानी है, देखिएगा। अपन आरपेजिएटर को उसको बंद कर देते हैं। ये देखिए ये पर्पल कलर का हमें दिखाई देता है। जिस बटन पे क्लिक करोगे, जो बटन चालू होगा वो आपको फ्लैश हो जाएगा, मतलब उसकी प्रकाश तेज हो जाएगा। अब देखिए दूसरा करते हैं, ये दूसरा है, दूसरा ड्रम कैटेगरी है, ये तीसरी कैटेगरी है और ये चौथी कैटेगरी है। ओके, अब हम एक अगली नीचे वाली कैटेगरी लेते हैं जिसको इन्होंने एफएक्स का नाम दिया है। इस पर क्या है देखते हैं। ये एफएक्स है, ये इस तरह की जैसे आपको तालियां या इस तरह का इफेक्ट मानते हैं इसको। दूसरा सुनते हैं, ये एक और इफेक्ट है इसके अंदर। तीसरा, एक ये इफेक्ट है, तीसरा हवा की तरह से, चौथा, ये चौथा इफेक्ट है, ये भी रेड कलर का है। यानी कि इससे साबित क्या होता है, ये वाला, ये और ऊपर वाला ऑरेंज है और नीचे वाला जो इफेक्ट्स वाला है वो रेड लगता है। थोड़ा बहुत फर्क है दोनों में। अब चलते हैं हम देखते हैं लीड। लीड क्या है देखिए, ये ग्रीन है लीड का, लीड का कलर। दूसरा, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये और ये चौथा है। रोकते हैं, अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। लास्ट में चौथा है पैड। तो फर्स्ट पैड ये येलो कलर में दिखाई देगा आपको, ये फर्स्ट पैड है इसका, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो चलिए आपको मैं कुछ म्यूजिक दिखाता हूँ बनाकर। एक बार जैसे हमने एक रिकॉर्ड किया, हम एक नया म्यूजिक बनाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, एक आरपेजिएटर लगाएंगे, या हाँ सबसे पहले आरपेजिएटर ही लगाएंगे। चलिए अब हम एक बेस लगाएंगे, अब हम ड्रम जोड़ेंगे, बेस बंद कर देंगे। अब करेक्ट, अब हम यहां पर एक पैड कनेक्ट करेंगे। अब हम एक लीड कनेक्ट किया हमने, एक इफेक्ट लगाएंगे, शानदार। ड्रम चेंज कर रहा हूं मैं, ये ड्रम चेंज किया मैंने। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। अब इसके अंदर क्या है, हम आपको एक चीज और दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। जैसे हमारा ऑथर्ड बाय यू, मेरा एक इफेक्ट बनाया हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और अब हम प्ले करते हैं जो हमने बनाया था। ये इसको बैक, ये देखिए ये मेरा बनाया हुआ है, इसमें आपको इको भी सुनाई देगा साथ में, देखिएगा। या अपनी मर्जी का कोई भी इफेक्ट, ये देखिए
जो हमने कल इको इफेक्ट लगाए थे वही इफेक्ट अब काम करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा आवाज़ में चेंजिंग लगेगा आपको। अब इफेक्ट बंद कर दिया। इफेक्ट बंद करने के बाद इस तरह का साउंड आता है। इफेक्ट चालू करने के बाद ये देखिए इफेक्ट चेंज करें। तो इस तरह से वही इफेक्ट काम आ जाएंगे आपके जो आपने क्रिएट किए हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी हम लूपर हमें चेंज करना है लूप, तो इस पर क्लिक करेंगे। आप बहुत सारी लूप कोई भी यहाँ से जैसे आर्प, 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 एक एक आर्प, लूप, एक एक आर्प, एक मिनट रुकिए। प्ले प्ले एट स्नैप डीप डिस्को 118 बीपीएम माइनर प्ले डी माइनर है। डिटेक्टेड आइकन स्टार बटन आइकन स्टार डिटेक्टेड आइकन ऐड ऐड पे क्लिक करते हैं। ये देखिए मैंने ऐड पे क्लिक किया। रिकमेंडेड सेटिंग्स फॉर दिस ऑडियो पैक आर 118 बीपीएम टेंपो एंड नो थैंक्स बटन सेट टेंपो एंड की बटन सेट टेंपो एंड की भी आप यहां से सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर यहाँ पर बेस ड्रम गिटार की पियानो कीबोर्ड इस तरह से सीरीज दी गई है। उसमें पहले आर्प था, फिर बेस था, फिर ड्रम था, लेकिन यहाँ पर पहले बेस है फिर ड्रम है। तो देखते हैं, चलिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार काउंटर चलेगा हमारा प्री काउंट, उसके बाद ही हमारा रिकॉर्ड होगा। TR record button. रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे पहले वाला Detected. तो हमने रिकॉर्ड कर ही लिया button. अब हम TR आगे से ही रिकॉर्ड करेंगे। इस पे रिकॉर्ड पे मैंने टैप ऑफ फंक्शन ठीक है talk back वापस off. आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार इसको ऑफ करते हैं। अब सुनिएगा, ये गिटार बज रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है साथ साथ में। आगे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम वही गाना। या कम ऑन, अब हम ये देखिए गिटार हमने जोड़ दिया इसमें, शानदार। कीबोर्ड जोड़ दें, ये कीबोर्ड अब हम यहां पर पियानो जोड़ते हैं। ये सही है, शानदार। अब हम कीबोर्ड जोड़ते हैं यहां पर, ये बेसुरा लग रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं। शानदार, यहां तक शानदार रहेगा ये। ये एक ड्रम ये भी रख सकते हैं आप, और ये शानदार है। ये भी रख सकते हो, नहीं तो अब हम बंद करते हैं। ओके, रिकॉर्ड हो चुका है, बंद करते हैं और अब सुनते हैं इसको। अब सुनते हैं, सुनिएगा। शानदार, ये
हमने रिकॉर्ड किया वो। एकदम शानदार रिकॉर्डिंग हुई है, ये देखिए क्या बात है, बहुत ही शानदार रिकॉर्डिंग, क्या बात है। तो आप पूरा सुनते हैं, शानदार। खुद का म्यूजिक क्रिएट करने का मजा ही कुछ और है, देखिए क्या शानदार म्यूजिक क्रिएट हुआ है। चलिए अब हम इस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए डिटेक्टेड आइकॉन क्लोज, क्लोज करेंगे डिटेक्टेड आइकॉन बैक बटन। हमारा प्रोजेक्ट अब सेव होने के लिए तैयार है। डिटेक्टेड यहाँ पर वांट टू सेव ऑल चेंजेस, सेव करना है बटन। यहाँ पर देखिए ऊपर बैक का जब बटन पे क्लिक करोगे, मैं वापस बताता हूँ आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऊपर कोने में, ऊपर जहाँ पर आपका बैटरी और नहीं वो लेफ्ट एंड की तरफ होता है ना, जहाँ पर टाइम वाइम दिखाता है, वहाँ पर उंगली रखेंगे। तो तीन ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, कैंसिल बट डिस्कार्ड, पहला है डिस्कार्ड कैंसिल और सेव, सेव करेंगे। हमने सेव कर लिया इसको। अब यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस आपको दिख जाए। जनरेट फ्रेश म्यूजिकल लाइक, अब आपको क्या करना है, अब आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस मुझे देखनी है तो आप नीचे जाएंगे, फीड नोटिफिकेशन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स, ये हमारा My projects. My project पे क्लिक करेंगे। ये पहला प्रोजेक्ट है। August 15, 2022, 9:08 PM. SK Music Dictator. Just now. 8 PM. More item view. Button. More item view. क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं? Pop-up window. Project settings. Project settings. Invite collaborators. Delete. Delete. Project settings. Project settings में जाएंगे. Navigate up. यहाँ पर देखिए. Untitled August 15, 2022. Additional settings. Additional settings. Characters entered 0. Characters entered. Description, edit box. Description है, ये सारे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं आप यहाँ पर। Additional settings. Additional settings इसमें क्या है वो दिखा देता हूँ। Select band. Select यहाँ पर आप band select कर सकते हैं। Enabling ports lets others start their projects using your published revision. आप अगर publish करना चाहेंगे तो ये देखिए, अब आपको save करना हो, unlabeled, अगर आपको save करना है तो इस project पर double tap करें, यहाँ पर नीचे Untitled August 15, detected, SK Music Dict, copy link, copy today 9:08 PM, play, play कर सकते हैं, play करें। Media control, untitled August 15, 2022, 9:08 PM, SK. ये देखिए, ये प्ले हो रहा है शानदार तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, इसको रोकते हैं। यहाँ पर देखिए पब्लिश बटन, पब्लिश बटन पब्लिश करोगे तो इसी बैंड लैब में ये पब्लिश हो जाएगा। और डिटेक्टेड आइकॉन डाउनलोड बटन, डाउनलोड करना चाहते हो या फिर ओपन, यहाँ से ओपन हो जाएगा प्रोजेक्ट वापस से। तो हम डाउनलोड करते हैं इसको, ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। Start audio chat, करना window, है, वीडियो करना है, तो audio, audio करेंगे, generating audio your mix down, it might take some time, check back later or try again, bandlab, download button, button, file save to downloads, SK Music Dictator, untitled August 15, 2022, 9:08 PM.m4a, Android system, drag view, image, file हमारी download में save हो गई है, और ये, share via nearby share, share भी, आप इसे share भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप किसी को share करना चाहें, तो यहाँ पर जैसे मेरे WhatsApp है, WhatsApp Android system, drag view, और यहाँ पर मैं, WhatsApp पे क्लिक करता हूं और यहां पर मैं सेव कर देता हूं। मैंने WhatsApp शेयर कर दिया एज ए ऑडियो, यहां पर ये शेयर हो जाएगा। ये देखिए ये शेयर हो गया ना, अब इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूं आपको। टैप ऑफ फंक्शन सेव हो गया, टॉक बैक ऑफ प्ले करके दिखाता हूं। तो इस तरह से सेव हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर, हम चलते हैं फाइल मैनेजर में, ये फाइल मैनेजर में हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो देख सकते हैं। M3U के नाम से बनता है ये, और अब बाद में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है या सेटिंग में जाकर हम म्यूजिक सेंटर माई फाइल बोलते हैं cancel, two, one, eight, zero, my files, audio, my files, ये वीडियो है तो my files, ये देखते हैं, page, my audio, my files, SK Music Dictator, untitled August 15, 2022, 9:08 PM, 2022-08-15, 21_10.m4a, 2.5 MB, 15, 8, 2.5 MB का ये बना है प्रोजेक्ट। ऑग 20 million 2, इसको आपको चेक करना हो तो डिटेल चेक कर लेते हैं कहाँ से हुआ है। More, more में चलेंगे और rename, set, add details,
डिटेल पर क्लिक करेंगे, नेम, डेट, साइज 2.5 At phone storage slash download for SK Music Decanter untitled August 15th, 2022, 908 PM 20. Download में सेव होता है आपके प्रोजेक्ट. Back. तो अब ये ऑडियो आपका एक्सट्रैक्ट हो गया और डाउनलोड में चला गया है. ठीक है, आशा तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि थोड़ा सा मुसीबत रहेगी हमें लूपर. अभी मैंने आपको लूपर बताया, अब अगली बार हम सैम्पलर से प्रयोग करेंगे. सैम्पलर कैसे यूज कर सकते हैं इसमें वो भी चेक करेंगे. तो आशा आपको ये तो समझ आ गया होगा कि थोड़ा एक्सेसिबिलिटी का इशू है, लेकिन अगर आप थोड़े पार्सली हैं तब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन टोटली ब्लाइंड है तो थोड़ा सा आपको स्क्रीन का अंदाज़ा करके और इस पर रिकॉर्डिंग करनी होगी. आशा आप समझ गए होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. Tap to stop. 30, 20, 5, tap to pause recording, tap to stop. Not tick, tick off.